ऐसा बाल खींच खींच के काटे। अच्छा। और दुख रहे थे। शाम को आके देखा तो टकला हुआ है मेरा बच्चा। बच्चे लोग रो रहे थे, बोलते क्या तू लड़की है क्या जो रो रहा है। हम लोग को कुछ बोले नहीं थे और अपना बाल काटे और किसकी परमिशन भी नहीं लिए थे। मतलब वो जो स्कूल के बड़े सर है वो आए थे कल ऊपर, परसों के दिन ऊपर आए थे। सिर्फ शायद से सातवीं या दसवीं वाले को बोले कि बाल काट के, हम लोग को नहीं बोले। जो पीटी सर थे वो हम लोग को, पीटी सर का क्या नाम है जिन्होंने बाल काटे, मिलिंद ऐसा कुछ नाम है, वो हम लोग कल सबके क्लास में से सबके बच्चे को उठाए, बोलते चलो बाहर लाइन लगाओ सब, ये तुषार मामा खींचते हम लोग का बाल, सबका खींच के ऐसा काट दे। घर में आके तो ऐसा करके आया था, मतलब क्या हुआ करते, मेरे भांजा बुला रही आती है उसका बाल काटा है करके और खून जा रहा है करके, तो उसके डैडी तो जा रहे थे ड्यूटी भी, वैसे ही हम लोग कार में बैठ के हम लोग स्कूल की तरफ गए और जो संचालक है जो, तो बोल रहे थे तुम बट्टा सर, गणेश दशरथ बट्टा सर ऐसा, वो बोल रही थी करके तुमको क्या करने करके करो करके। पहले पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि हाँ भाई अपने अपने बच्चों का बाल कटवाओ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई खबर नहीं। शर्म के मारे घर नहीं आ रहे थे बच्चे, बाहर खड़े होकर रो रहे थे सबके बच्चे। टाइम पे इनको पैसा मिल रहा, बच्चों के साथ ऐसी हरकत करेंगे कौन अपने बच्चे को पढ़ाएगा। हम तो कल ही सोच लिए बच्चों को मतलब है, टीचर लेके हम कहीं दूसरे जगह एडमिशन लेंगे।